जिला फरीदकोट के शहर कोटकपुरा में आज एक महिला की बस के नीचे आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बच्चन कौर अपनी बेटी के साथ रिक्शे पर बाजार जा रही थी और आगे खड़ी एक क्रेटा कार के ड्राइवर ने अचानक कार का दरवाजा खोल दिया, जिससे बचने के लिए रिक्शा चालक ने कट मारा तो महिला रिक्शे से नीचे गिर गई और तभी पीछे से तेज रफ्तार आ रही बस ने उस महिला को कुचल दिया, जिससे उस महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक महिला की बेटी राजकौर ने बताया कि वो अपनी माता के साथ रिक्शे पर जा रही थी और आगे कार के साथ टकराने से मां गिर गई और पीछे से आ रही बस उसके सर के ऊपर से गुजर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं मामले की जानकारी देते हुए DSP बलकार सिंह संधू ने बताया कि मृतक अपनी बेटी के साथ रिक्शे पर बाजार जा रही और आगे कार के साथ रिक्शा टकरा गया और महिला नीचे गिर गई और पीछे से आ रही बस ने उसे कुचल दिया। वहीं उन्होंने कहा कि इस संबंधी मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मेरा नाम राजकौर है। असी ना मेरे इतों पुल तो इत रस्ता उतर आना थले मैं नाल बह गई तो इतने मूहरे कार खड़ी आ ते उधर बस आ गई आ ते कार खड़ी ते सामने दे विचाले रस्का आ गया मेरे बीबी दे विच बीबी दे विच ना जो कार दे विच रस्का वज्जिया उधर बस आ गई आ ते बीबी मेरी ना डिग गई मेरे बस उतरी नंगी बस नंगी उतरी नंगी बस उतरी पटाका पै गया चंदा मेरी माँ दा मेरी माँ दा पटाका पै गया सर दा भाई अज सुबह करीब 11 बजे राज कौर पत्नी गुरचरण सिंह वासी सिरे पंजाब नगर कोटकपुरा और उसकी माता बचन कौर दोनों जनिया एक रिक्शा से चढ़ के बाजार में जा रही सी। जदों कोटकपुरा चौंक के पहुंचिया तो माता जी अचानक रिक्शे तो थले डिगन के नाल जी मगरों बस आ रही थी, बस के ड्राइवर ने लापरवाही तेज़ रफ्तारी ते नगलीजेंसी के नाल जी बस है माता के उत्ते चढ़ाती, जिस नाल माता दे टायर थले आउण करके मौत हो गई, जिदे संबंध में मुकदमा नंबर 197 अंडर सैक्शन 304 279 IPC थाना सिटी कोटपुरा दर्ज रजिस्टर कर लिया गया। अगली तफ्तीश जारी।